नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रशासन की ओर से पंचायती जमीन पर की जा रही पैमाइश को देखना पूर्व सैनिक पर उस समय भारी पड़ गया जब पैमाइश के बाद कथित तौर पर कब्जाधारी पूर्व सैनिक के घर पहुंच गए और उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। लाठी डंडों और कस्सी से उसके सिर पर वार कर कब्जाधारी वहां से फरार हो गए। यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी और शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आपका नाम और गांव का नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं इंडियन आर्मी से एक्समैन। क्या कुछ पूरी घटना थी, क्या वारदात है? इस घटना का ताजी दिन के साथ मेरा ये वारदात हुआ है। इनकी 28 तारीख को पैमाइश थी, प्रशासन आया था, सेक्रेटरी साहब गिरदावर साहब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ भी इन्होंने गाड़ी लोड किया, मैं खड़ा था तो गिरदावर साहब ने प्रशासन बुला लिया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए, पैमाइश होगी, निशान लगा दिया इनके यहाँ। हमें कोई वो भी नहीं था कि भाई इनका कुछ नुकसान हो। दूसरे रोज में खाना लेने गया तो मेरी वाइफ नहीं थी, क्या हमको होटल पे थे रोड पर मिला और पैमाइश में तू भी था, मगर मैं तो क्या था गवर्नमेंट थी, तो उसने मेरे साथ गाड़ी लोड किया। वहाँ से मैं छुटकाराबाद के रोड के इधर स्वाति फैक्ट्री है वहाँ चला गया। वहाँ लड़का मेरे खाना लेने गया हुआ था भोलू कबाड़ी। जब मैं वहाँ गया तो भोलू कबाड़ी का ताला लग रहा, रोड पार किया, मैं उस फैक्ट्री में चला गया। इतनी देर में चार पांच लोग आए, इसका खुद का बेटा है मनोज का, चंकित नाम है, एक इसका भाई विनोद है, दो बेटे उसके थे, एक इसका छोटा भाई है लक्ष्मी, लच्छी बोलते हैं उसको, वो था। इन्होंने आते ही सर मेरे पास डंडे थे इनके पास और ये क्या बोलते हैं आज की बहुत पर फावड़ी मार रखी मेरे सिर में, तो मैंने मैं तो हो गया था उस टाइम, मेरे यहाँ सीसीटीवी आया हुआ है, मेरे साथ काफी मेरे खून निकल गया था, बहुत ज्यादा ब्लड निकला। पुलिस को सूचना गई उसी टाइम, मेरे को यहाँ लिया के ट्रामा सेंटर, पहले बालाजी हॉस्पिटल में लेके गए, फिर यहाँ पुलिस को सूचना दी, पुलिस कल आई थी, उन्होंने जान वगैरह लिए सर मेरे। क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? सर बोल रहे थे कि MLR के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और मैं अपना ट्रीटमेंट सब यहाँ से निकल के प्राइवेट हॉस्पिटल में लूंगा। कोई रंजिश नहीं थी इस पैमाइश के ऊपर ही सर, इन्होंने पता नहीं मेरे क्यों बड़ी का बकरा बना दिया। मैं तो देखने गया सर, गाड़ी भी सबको देते थे लेकिन उस दिन मेरे साथ आता भाई गाड़ी। कितने लोग थे? एक पांच लोग हैं सर, चार को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मनोज इसका भाई लच्छी, एक इसका सगा बेटा अंकित है चंकित, और दो इसके सगे भतीजे हैं, एक का नाम आशीष है, दूसरे का नाम का पता नहीं। पैमाइश सर इन्होंने गांव की जमीन पे कब्जा कर रखा है, आंगनबाड़ी और स्कूल की कुछ जमीन है उसके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।